जापान मेगा स्पेस मिशन। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष यान से चंद्रमा तक पहुंचने का प्लान बना रही हैं। वहीं दूसरी ओर जापान ने बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना डाली है। ये ट्रेन चांद तक पृथ्वी की ग्रेविटी का उपयोग करके जाएगी। जापान ने ये अनाउंसमेंट करके अंतरिक्ष में एक नए तरह के कॉम्पिटिशन की शुरुआत कर दी है। जापान एक बेहद ही बड़ी योजना पर काम करने जा रहा है। वह पृथ्वी से एक बुलेट ट्रेन चलाएगा जो लोगों को चांद पर पहुंचाएगी। ये ट्रेन पहले चांद तक जाएगी। इसके सफलता हासिल करने के बाद इसे मंगल ग्रह तक चलाया जाएगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की भी योजना है, यानी इंसान एक आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में रहेगा जिसका एनवायरनमेंट धरती जैसा बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि वहाँ पर इतनी ग्रेविटी और ऐसा एटमॉस्फेयर हो ताकि इंसान की मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमजोर ना हो। जबकि आम तौर पर कम ग्रेविटी वाले स्थानों पर मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। देखने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ अमेरिका फिर से चांद पर जा रहा है, चीन मंगल ग्रह पर खोज कर रहा है, रूस और चीन मिलकर चंद्रमा के लिए संयुक्त मिशन की योजना बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जापान ने बुलेट ट्रेन और आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट की योजना बना डाली है। ऐसे में इंसानों का जल्द ही किसी अन्य ग्रह पर रहना आसान हो जाएगा। ग्लास एक ऐसी बड़ी कॉलोनी होगी जिसमें इंसान रहेगा। ये कॉलोनी चांद और मंगल ग्रह पर बनाई जाएगी। इसके बाहर जाने के लिए आपको स्पेस सूट पहनना होगा, लेकिन इसके अंदर रहने के लिए शायद आपको स्पेस सूट ना पहनना पड़े क्योंकि इसके अंदर पृथ्वी के जैसा एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन यहाँ रहने पर मांसपेशियाँ और हड्डियाँ उतनी कमजोर नहीं होंगी जितने खुले में रहने पर होती हैं। यहाँ बच्चे पैदा करना कितना मुश्किल होगा ये बता पाना फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि अब तक अंतरिक्ष में ये काम नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 21वीं सदी के दूसरे हिस्से में इंसान चांद और मंगल पर रहने लगेगा। ये है वो ग्लास हैबिटेट जिसमें इंसान चांद और मंगल ग्रह पर रहेंगे। इसके अंदर से ही अन्य ग्रहों पर जाने के लिए हेक्सा कैप्सूल निकलेंगे। ये योजना बनाई है क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर। ग्लास एक कोन जैसा रहने लायक प्लेस होगा जिसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी। सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। हरे भरे इलाके होंगे, जल स्रोत होंगे। इसके अंदर नदियां, पार्क, पानी आदि सब कुछ होगा जो एक इंसान के लिए जरूरी होता है। ये इमारत करीब 1300 फीट लंबी होगी। इसका प्रोटोटाइप 2050 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फाइनल वर्जन बनने में लगभग एक सदी का समय लग सकता है। चांद पर बनने वाले ग्लास कॉलोनी का नाम होगा लूना ग्लास और मंगल ग्रह पर बनने वाली कॉलोनी का नाम होगा मार्स ग्लास। इसके अलावा क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन मिलकर स्पेस एक्सप्रेस नाम की एक बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं जो पृथ्वी से चांद और मंगल के लिए रवाना होगी। ये एक इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जिसे नाम दिया गया है हेक्साट्रैक। हेक्साट्रैक लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा में भी 1G की ग्रेविटी की ताकत बनाकर रखेगी ताकि लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी का नुकसान यात्रियों को बर्दाश्त ना करना पड़े। हेक्सा ट्रैक पर हेक्सा कैप्सूल चलेंगे जो कि हेक्सा गोलन आकार में होंगे। ये 15 मीटर लंबे मिनी कैप्सूल होंगे। इनके अलावा 30 मीटर लंबे लार्ज कैप्सूल भी होंगे जो चांद और मंगल की यात्रा कराएंगे। कैप्सूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर चलेंगे जैसे जर्मनी और चीन में मैगलेव ट्रेन चलती है। हर कैप्सूल रेडियल सेंट्रल एक्सिस पर चलेंगे यानी चांद से मंगल ग्रह पर जाने के लिए 1G की ग्रेविटी मेंटेन की जाएगी। पृथ्वी पर बनने वाले ट्रैक स्टेशन का नाम होगा टेरा स्टेशन। ये स्टैंडर्ड गॉज ट्रैक से चलेंगे जिसमें 6 कोच होंगे जिसे स्पेस एक्सप्रेस नाम दिया गया है। पहले और आखिरी कोच में रॉकेट बूस्टर लगे होंगे जो इन्हें आगे और पीछे की तरफ ले जाने में मदद करेंगे ताकि अंतरिक्ष में स्पीड बढ़ाई या कम की जा सके जिससे कि ये पृथ्वी और चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से काम कर सके। तो दोस्तों, आपको जापान की ये फ्यूचर प्लानिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।